अगले व्यापारी भाइयों से हनुमानगढ़ जैन गोल छह का सादर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, आज मैं ऐसे महान व्यक्ति से साक्षात कर रहा हूँ, आप लोगों से करवा रहा हूँ, आपके समक्ष ला रहा हूँ। वो व्यक्ति व्यापार से संबंधित और व्यापार के हित के लिए कितने काम किए कर रहे हैं, जिसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है कि ये परिवार से चलता आ रहा है, पीढ़ी से चलता आ रहा है। और आज से 53 वर्षों से जब से मैं दिल्ली बीकानेर से दिल्ली आया हूँ, 53 साल से मैं देख रहा हूँ इस परिवार को, वो पूरा समझ रहा है। ये तो मेरे सामने बच्चे ही कह सकता हूँ, बच्चे ही रहे हैं। आज इनको देखता हूँ तो मेरा गर्व सीने से ऊपर हो जाता है। जैसा मोदी जी कहते हैं 56 इंची सीना चौड़ा हो जाता है, वैसे ही मेरा हो जाता है। वो व्यक्ति है श्री रविंद्र कुमार कप्तान साहब, जो दिगम पार्षद के पद को इस टाइम सुशोभित कर रहे हैं, बहुत पदों पर ही रह चुके हैं। और जिस प्रकार पिता श्री मेरे भाई श्री वार्ड कप्तान साहब, जिनकी छवि जैसी थी उसी दिन रात चौगुनी आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे आज भी याद है, सारा काम छोड़ करके जैसे व्यापार हित के लिए काम पड़ता या बुलाया जाता, बीच में से एक बार तो लावरी गेट से आगे निकल रहे थे गाड़ी पे, वो टेलीफोन प्रधान जी का पहुंच गया दिल्ली के रेलवे स्टेशन, कप्तान साहब जरूरी काम है, उसी समय गाड़ी घुमा ली। मैंने उनको एसोसिएशन में कह रहा हूँ पदाधिकारियों को, भाई कप्तान साहब अभी जाते हुए देखा है, वो नहीं आ पाएंगे। मैं बात खत्म नहीं कर रहा, इससे पहले तो उपस्थित हो गए। बोले भाई क्या बात है, प्रधान जी बोलो क्या बात है। मैंने कहा धन्य हो गया नया बाजार, ये कभी पीछे रहने वाला नहीं है। दिन दुड़ी जब तक वो रहे, दिन दुड़ी रात चौड़ी बाजार बढ़ता रहा, उसी को ही कामयाब करने के लिए मेरे रविंद्र कुमार कप्तान, जो मैं भतीजा ही कह सकता हूँ, बाकी आज मैं परिचय साक्षात कर रहा हूँ, इसी दिगम पार्षद के हिसाब से कर रहा हूँ। ये तो हमेशा टोल देते हैं, अरे हनुमान जी मेरे को कप्तान साहब मत बोला करो, मुझे रविंद्र कप्तान बोला करो। मुझे इस टाइम मेरी क्या स्थिति थी मैं जान सकता हूँ। आज मैं उनसे साक्षात करवा रहा हूँ कि उनको कैसे प्रेरणा मिली, जो कि चारों भाइयों से मेरा संपर्क है, बाकी इनसे विशेष सूची विशेष रहा, ये किस तरह रहा, कैसे रहा, क्या प्रेरणा मिली, इनसे मैं आपसे जानना चाहेंगे। मैं भी उत्सुक हूँ कि मुखार से सुनूँ, तो आज उस महान व्यक्ति से साक्षात आप किस तरह से ऊपर चढ़ाई पे आए, ऊपर ऊंचे पर चढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, इसका क्या कारण है, क्या राज है? व्यापार से भी आप लग सकते थे, व्यापार से भी जुड़ सकते थे, पर ऐसा क्या है जो राजनीति उसमें चल रहा है आपका, वो थोड़ा सा बता दी कृपा करें। असल में क्या है, जिस परिवार से मैं संबंध रखता हूँ, हमारे दादाजी भी यहाँ पर चौधरी रहे, फिर उसके पिताजी, उसके बाद हमारे पिता श्री जवाहरलाल जी, लाला जवाहरलाल जी, जब उस वक्त में पीस कमेटी होती थी यहाँ के, सारी चीज ये होती थी, तब प्रधान थे वो। अच्छा। इस पीस कमेटी में, फिर उसके बाद हमारे पिता श्री वासुदेव कप्तान जी, लगातार मैंने तो बचपन से ही, बिल्कुल शुरू से ही उनको समाज से और पार्टी से जुड़े हुए देखा। भारतीय जनसंघ से उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई थी। अच्छा। और तभी से, क्योंकि उनके छत्र छाया में जब रहे, उनके सामने हमने सब कुछ देखा, तो उनको देखते थे लगातार, कभी ना घर देखना ना कुछ, समाज सेवा में लगातार निरंतर लगे रहते थे। तो उनको देख के मन में जैसे भाव ये रहते हैं, तो वो रुचि अपने आप ही डेवलप हो गई। तो बड़ा अच्छा लगता था जब समाज में वो जाते थे, मिलते थे लोगों से, उनका सभी से यहाँ पर आत्मीय प्यार था। और सभी लोग ये कहते थे कि जी कप्तान साहब तो हमारे परिवार के हैं, हमारे अपने, तो मन को बहुत अच्छा लगता था। मैं भी उन्हीं की छाया में, उन्हीं के संस्कार लेके आगे बढ़ रहा हूँ, उन्हीं की छाया में बैठा रहता हूँ। और आज भी उनसे बिना आज्ञा लिए मैं कहीं जाता तो उनकी तस्वीर के सामने खड़े होके मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। उन्हीं की प्रेरणा से यह संभव हो सका कि मैं आज चांदनी चौक
नगर निगम पार्षद हूँ। और सच में तो ये जो मैंने इलेक्शन लड़ा था वो मैंने नहीं लड़ा, उन्होंने ही लड़ा, उन्होंने लड़ा, ये उन्हीं का नाम उन्हीं का काम। देखो क्या होता है कि जब हम आगे चलते हैं तो ये जरूर होता है कि जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे बड़ों ने जो संस्कार दिए, जो कमाई दी है, अगर हम उसको बढ़ा नहीं सके तो कम ना करें, कम ना करें। तो वही सोच लेके मैंने समाज से जुड़ा रहा। उनके बाद भी वो जितने भी संस्थाओं से जुड़े हुए थे उन सब संस्थाओं से मेरा अभी भी संपर्क संबंध है। वही परिवार, चाहे वो भाजपा परिवार हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे हमारा नया बाजार का व्यापार हो, हम लगातार आपस में मिलते भी रहते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं। हम भी कोशिश यही रहती है कि हम इंतजार नहीं करते कि कोई आएगा बुलाएगा, और क्योंकि स्वयं देखते हैं, स्वयं जैसे बाबूजी से बता रहा हूँ ना जी, उन्हीं से प्रेरणा लेके जरूरी नहीं है ये, क्योंकि हमारे परिवार में ये कोई फॉर्मेलिटी की बात नहीं होती। हम कोई दुख तकलीफ देखते हैं उनसे पहले ही हम आगाह कर देते हैं, क्योंकि प्रशासन में सबसे मिलना जुलना होता है। किसी ने कहा कि अनाज व्यापार में ये परेशानी आने वाली है, हम तुरंत जो है उसका निदान बीमारी होने से पहले इलाज कर देते हैं। तो ये सब उन्हीं की प्रेरणा है। मैं बाबूजी के सामने, बाबूजी के साथ रहा 24 घंटे, उनके सहयोगी नहीं। मैं जब बाबूजी पहली बार 1983 में इलेक्शन जीते, तब मैं युवा मोर्चा का यहाँ का जनरल सेक्रेटरी था। लेकिन क्या होता है कि वो बाबूजी हमारे ये कहा करते थे कि वो भाई जब नाम जुड़ जाता है, तो तब मैंने वो विड्रॉ कर लिया था, तभी इस्तीफा दे दिया था। और तभी से बाबूजी के साथ उनके एक सहयोगी के रूप में बराबर रहा। मैंने उनको बहुत नजदीक से काम करते, भाई तो हमारे हम चार हैं, लेकिन मेरी रुचि शुरू से ही समाज सेवा में और पार्टी में रही। तो मैं पार्टी से भी समाज से भी जुड़ा रहा। बहुत बड़ी रामलीला दिल्ली की, बहुत जो गिनी चुनी रामलीला होती थी, नवश्री धार्मिक लीला कमेटी, गांधी मैदान, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, गौशाला पिंजरापुल सोसाइटी हो, और राजनीतिक क्षेत्र तो है ही, समाज सेवा तो है ही। तो ये सारा जो क्षेत्र रहा है हमारा, एक तरीके से परिवार की तरह से रहा, और मैं बचपन से ही इससे जुड़ा रहा। तो उसी का परिणाम है, बाबूजी का आशीर्वाद है कि हम रिकॉर्ड मतों से यहाँ से विजयी भी हुए। ये केवल उन्हीं के आदर्श और उन्हीं का प्रताप, उन्हीं की प्रेरणा है, मैं तो कहूँगा उनकी कमाई है। बराबर बराबर। तो आप ये समझो कि मेरे पिता के साथ साथ मेरे गुरु भी रहे। कहते ना, पिता तो हम चार भाइयों के थे, लेकिन मेरे गुरु भी रहे, और बड़ा उनसे प्रेरणा मिलती थी और मिलती है अभी भी। कि मैं ये कहूँ कि अभी भी हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे बीच में रहते हैं। तो अपने पास तो जो कुछ भी है सब उन्हीं का दिया हुआ है, और वही चल रहा है। प्रभु बस यही बनाए रखे कि इनका आशीर्वाद मिलता रहे, हम समाज सेवा में इसी तरह से लगे रहे, बस यही चाहते हैं। हाँ नहीं, आपकी डायरेक्टरी के लिए तो बाबूजी भी जैसे हमेशा निरंतर कहते भी रहते थे, और बड़ा अच्छा लगता था कि अपने परिवार में से ही कोई इस तरीके की डायरेक्टरी आपने जैसे निकाली, बहुत उपयोगी होती है किसी भी समाज के लिए। हम कहते हैं ना, जिस कोई संस्था डायरेक्टरी निकालती है कुछ, और आप तो पूरे देश भर की जो है पूरी जानकारियां उसमें लेके, सारा जो है सब जानकारियां लेके व्यापारी भाइयों को इसको उससे लाभान्वित होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि ये भी एक तरीके की समाज सेवा है। मैं तो आशु को देखा, वो निरंतर मैंने बल्कि पूछा भी कि आशु क्या कर रहे हो। बोले जी अब जैसे जमाना डिजिटलाइजेशन का हो गया, अब एक डायरेक्टरी डिजिटल भी होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें अब जो है ना समय के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए,
लोगों के पास अब समय नहीं होता कि पन्ने पलटेंगे, अब तो बटन दबाया, सुझाव से या सुझाव जुड़ा मेरे से, बटन दबाया और ऐसा सुझाव दिया और मेरे से बात करी, नहीं नहीं आशीष में बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, मैंने इनको लगातार देखा है क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल पास में इनका अपना ऑफिस है, तो मैंने बल्कि देखा तो बहुत अच्छी मेहनत आशु भी इसमें कर रहे थे। मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि इसी तरह से ये डायरेक्टरी खूब अच्छी तरह से बने और सफल हो, ये प्रयास, ये मेरी शुभकामनाएं है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जी एक बात और बताइए आप, अब व्यापार में कभी बैठे दुकान में कभी नहीं जी बैठा जरूर मैं, अब भी क्या है कि अब जैसे निगम पार्षद बनने के बाद समय नहीं, मैं बैठा जी, मैं दाल में के साथ ही अधिकतर अधिकतर क्योंकि मैं और भाई देखते हो बाकी आपने कभी जो है तो हम सम्मिलित परिवार में रहे, अभी तक भी सम्मिलित परिवार में है, तो ये कहते हैं ना बहुत सुख होता है सम्मिलित परिवार का, अच्छा होता है, तो एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में, तो सब भाइयों में हमारे बाबूजी के संस्कारों से आज भी हम सब इकट्ठे ही हैं, चाहे व्यापार अलग हो गए चाहे कुछ भी हो गए, लेकिन हम साथ ही रहते हैं बहुत बहुत और साथ ही उठते बैठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय व्यापारी भाइयों, देखा हमने रविंद्र कुमार कप्तान साहब की बातें सुनी हमने, वैसे ही फोन कर दिया कल, बोलो अनुराग जी बोलो क्या बात है, अनुराग जी आपका दो मिनट समय लेना था, आपकी शुभकामनाएं लेनी है डिजिटल डायरेक्टरी के बारे में अपने बारे में, तो मेरे इसमें देख रही क्या बात है, आपको जब समय देखो इनकी महानता, जब आपके पास समय चला जा रहा अनुभाव जी आप अपना समय बताइए, अनुभाव जी आपको जो समय बताना पड़ेगा जो पिताश्री ने नहीं बताया मैं क्या बताऊंगा, ये मेरे अपनी बात थी आपने भी सुन लिया, एक एक शब्द पिछले भाई साहब कप्तान साहब के बारे में निकला इनका शब्द अपने पिताश्री के बारे में, आज भी भगवान मानते हैं, आज भी ऑफिस में अपनी फोटो की पूजा करके फिर गद्दी पे वो भी चेयर पे बैठते हैं, ऐसे महान व्यक्ति, मैं तो ये शुभकामना आशीर्वाद शुभकामना ही आशीर्वाद देता हूँ उनको आगे और बढ़े, इनके पार्षद नहीं आने वाले समय में और सांसद बढ़े, फिर आगे सांसद बढ़े और पीएम तक पहुंचे, ऐसी मेरी शुभ आशीर्वाद इनको आज मैं दे रहा हूँ।